एक्टिविटी में मैं लास्ट जो स्टूडेंट है उसके कान में कुछ बोलूंगी और वो पास ऑन करना है। जैसे मैं अगर लास्ट स्टूडेंट के कान में बोलूंगी, वो अपने आगे वाले स्टूडेंट को क्या करेगा, वो पास करेगा। ठीक है, अब मैं तो आप तुम्हारे उसमें कुछ कह रही हूँ। देखो मैं क्या कह रही हूँ, ठीक है, सुन लिया, अब इसको पास करो, कान में पास करना है, बस सुनना नहीं है आपने। देखो एक चीटिंग नहीं करनी है, जाओ तुमने सुन लिया, वाली नहीं सुन लिया, अब नहीं सुना दोबारा से बोलो, इच्छा ने सुना नहीं, दीपू दीपांशु चीटिंग नहीं कर, हाँ जाओ आगे इसको पास करो। हाँ अब हाँ दोबारा से बता दो, उसको नहीं बताना है ना। ठीक है, उसको आगे पास ऑन करो। तो हिमांशी को क्या मिला लास्ट मैसेज बताओ? वाली वाल नहीं बोला, इसने वाल नहीं बोला है, क्या बोला? वो नहीं कहा। अच्छा मैंने क्या बोला था दीक्षा बताओ तो? राम ने रावण को मारा था, ये कहा ना कि राजा राम ने रावण को मारा था, और वो दीक्षा ने जो सही सुना वो दीक्षा से वालिनी से आते 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 लास्ट में कहाँ पहुंच गया? हिमांशी क्या कह रही है वो वालिनी। देखो अर्थ का क्या हो गया, अनर्थ। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, कुछ मैसेज भी मिलता है ना इससे, कि हमें किसी की बातों पे क्या करना चाहिए, विश्वास नहीं करना चाहिए। क्यों? आप तुमसे कोई कहता है उसने ऐसा कहा था, हम उसको विश्वास कर लेते हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैंने दीक्षा से कहा कि राजा राम ने रावण को मारा था, उसने सही सुना, बिल्कुल सही सुना ना, बट वो आगे पास होते 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 वो यहाँ तक उसका बिल्कुल अनर्थ हो गया। इसका मतलब हमें किसी की बातों पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, हमें किसी की कही हुई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए।